आवाज आ रही है? ओके, तो गुड मॉर्निंग टू गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम आगे का जो मोल कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है वो कंटिन्यू करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चंस कराए थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे।
तो चलो क्वेश्चन लिखो। डिटरमाइन वेट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वन सेवेंटी वन ग्राम ऑफ सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन। हाँ एटम्स नहीं निकालने, वेट निकालना, वेट। यस मृदुल करेक्ट है, मी का तुम्हारा थोड़ा रॉन्ग है, चेक करो फिर से।
सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था। सो क्वेश्चन फिर से एक बार लिख देते हैं। डिटरमाइन वेट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 171 ग्राम ऑफ C12H22O11। ये क्वेश्चन है हमारे पास। यस आहान राइट नाउ आई थिंक ये करेक्ट है। मानस करेक्ट है। राहुल रॉन्ग है। प्रियस करेक्ट है। यस राहुल करेक्ट है। तो देखो इसका मोलार मास क्या है यार? इसका मोलार मास होगा 12 × 12 प्लस 22 × 1 प्लस 11 × 16। ठीक है, ये इसका मोलार मास हो जाएगा 342। तो इसका मोलार मास ये हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? नंबर ऑफ मोल्स होंगे 171 बाय 342, मतलब हाफ मोल। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स हाफ हो गए। तो देखो अगर हमें हरेक का वेट निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, हरेक का मोल्स निकाल सकते हैं और मोल्स को उनके मोलार मास से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो हरेक के मोल्स निकाल लेते हैं पहले। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन क्या होगा? ऑफ कार्बन क्या होगा? 12 × 1/2 हो जाएगा ना, मतलब 6। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? विच इज 22 × 1/2, दैट इज 11। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 11 × 1/2। ठीक है, मतलब 11/2 ले सकते हैं। तो ये इसके मोल्स हो गए। नाउ इन मोल्स में हम वेट निकाल सकते हैं क्या? अगर हमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मोल्स पता चल गए तो वेट क्या होगा? ऑब्वियसली वेट कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई बाय मोलार मास। तो कार्बन का मोलार मास क्या हो गया? ऑब्वियसली एटम्स है, तो एटम्स के केस में मोलार मास मतलब ग्राम एटॉमिक मास। तो ये 72 ग्राम हुआ। इसका कितना होगा? 11 × 1, दैट इज 11 ग्राम। और इसका कितना होगा? 11/2 × ऑक्सीजन का कितना है? 16 ना, तो कितना हो गया ये? 88 ग्राम हो गया। क्लियर है सभी को? ओके, तो इस टाइप से हम यहां पर वेट निकाल सकते हैं तीन आइटम्स। यस दक्ष बोलो। दक्ष एक बार ग्रुप पर मैसेज करो, ओनली देन आई कैन अनम्यूट यू। एक बार ग्रुप पर मैसेज करो तुम जेन्युइन हो या नहीं हो, वो मुझे देखना है।
ओके दैट्स तो अगर किसी को कभी कुछ डाउट होता है और उसको अनम्यूट करवाना होता है तो एक बार ग्रुप पर मैसेज कर दिया करो। हाँ बोलो। सर वो कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास 12 होगा, इसलिए हमने 6 मोल्स को 12 से मल्टीप्लाई किया ना, यस वही रीजन है ना। यस बिल्कुल बिल्कुल ओके बिल्कुल। सर। तो ये हमारे पास सभी के वेट आ गए, ऑब्वियसली मोल्स के थ्रू हमने वेट निकाल लिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डिटरमाइन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम सल्फर एंड ऑक्सीजन इन इन 284 ग्राम ऑफ Na2SO4। डिटरमाइन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Na सल्फर एंड ऑक्सीजन इन 280 ग्राम ऑफ सॉरी 284 ऑफ Na2SO4। तो Na का एटॉमिक मास पता होगा सभी को, 23। सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16। तो तीनों के नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। राहुल सेकंड और थर्ड में एनए नहीं है क्या? मतलब इन टर्म्स ऑफ एनए आंसर चाहिए हमें। तुमने जैसा आंसर बताया उसके अकॉर्डिंग रॉन्ग है वो। इन टर्म्स ऑफ एनए मतलब एवोगैड्रो नंबर। तो यस मृदुल करेक्ट है। यस राहुल नाउ इट इज करेक्ट। तो ये भूलना नहीं है, याद रखना है, वहां पर ऑब्वियसली उसकी वजह से आंसर रॉन्ग हो जाएगा। यस प्रियस करेक्ट है।
यस सर, आहान करेक्ट है। सोना करेक्ट है। तो देखो दो तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं ना। सबसे पहले तो ऑब्वियसली वेट दिया तो वेट के नंबर ऑफ मोड्स निकालने के लिए क्या करते हैं, मोलार मास निकालते पहले। तो मोलार मास क्या है इसका, 2 × 23 प्लस सल्फर का हमारे पास 32 × 1 हो गया एंड प्लस ऑक्सीजन 4 × 60। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, दिस इज 142। ठीक है, तो 142 मोलार मास आ गया। तो नंबर ऑफ मोड्स क्या आ गए इसके, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए इसके 284/142, मतलब 2 मोल्स। ठीक है, तो इसके 2 मोल्स हो गए। अब देखो यहां से हम दो तरह से इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं यार, 2 मोल्स है ठीक है, मतलब 2NA मॉलिक्यूल हो गए, 2 मोल्स है तो 2NA मॉलिक्यूल। नाउ 2NA मॉलिक्यूल है तो NA के एटम्स ऑब्वियसली 2 टाइम्स होंगे, तो 2 × 2NA टाइम्स हो गया किसका, एटम्स ऑफ सोडियम। देन सल्फर के ऑब्वियसली सेम ही होंगे, तो ये एटम्स हो गए किसके, सोडियम के, एंड ऑक्सीजन के 4 टाइम्स होंगे। क्लियर है, एक तो हम ऐसे करा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा ये है कि यार 2 मोल्स हमारे पास इसके हैं तो ऑब्वियसली डबल मोल्स किसके हो जाएंगे, सोडियम के, मतलब 2 × 2 मोल ऑफ सोडियम। ओके, तो कितने आ गए, 4 मोल्स आ गए ना, तो 4 मोल्स मतलब कितना हो गया, 4NA। सिमिलरली सल्फर का क्या होगा, सल्फर का क्या होगा, इसी टाइप से सल्फर का ऑब्वियसली सेम हो जाएगा, तो 2 मोल्स ऑफ सल्फर हो गया, मतलब 2NA हो गया, एंड ऑक्सीजन क्या है, 4 टाइम्स है। ठीक है, तो 4 × 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मतलब कितने हो गए, 8 मोल्स हो गए ना, 8 मोल्स मतलब 8NA। ओके, तो यहां पर हम ऑब्वियसली इस टाइप से दो तरह से कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास होगा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो जैसे तुम्हें कन्वीनियंट लगे वैसे सॉल्व कर सकते हो। तुम्हें मतलब मोल से मॉलिक्यूल निकाल के एटम्स निकालने हैं, या मोल से एटम्स के मोल्स निकाल के एटम्स निकालने, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, मॉलिक्यूल के मोल्स आ गए इससे एटम्स के मोल निकाल लो, और एटम्स के मोल से एटम्स आ गए। ठीक है, तो अपने हिसाब से देख लो जैसे तुम्हें कन्वीनियंट लगता है। क्लियर है सबको। अच्छा, हमारा जो परसों लेक्चर है, वेंसडे लेक्चर है, वो हम कल ले सकते हैं क्या, सेम टाइम 12:30 से 1:30। वेंसडे वाला लेक्चर कल ले सकते हैं क्या, 12:30 से 1:30। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या अगर वो लेक्चर कल ले लेंगे तो। सेम टाइम 12:30 से 1:30।
नहीं वेंसडे लेक्चर नहीं होगा, वेंसडे वाला कल प्रीपोन करने की बोल रहा हूँ, वेंसडे वाला लेक्चर कल प्रीपोन करने की बोल रहा हूँ। अगर कल लेक्चर होगा तो वेंसडे नहीं लेंगे, चलेगा ना सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके ठीक है, देन मैं ग्रुप पर मैसेज भी करवा दूंगा। ओके चलो आगे चलते हैं। हाँ सेम टाइम 12:30 से 1:30 सेम टाइम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डिटरमाइन नंबर ऑफ आयंस इन 54 ग्राम ऑफ Al3 पॉजिटिव। Al3 पॉजिटिव के 54 ग्राम में कितने आयंस होंगे बताओ? यस आहान, एटॉमिक मास जो होता है एल का वो क्या होता है? ये होता है 27। यस काफी का करेक्ट आ रहा है, प्रियस करेक्ट है, दक्ष करेक्ट है, राहुल करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। आन इज ऑल्सो करेक्ट। मृदुल थोड़ा रॉन्ग है, फिर से चेक करो। यस मधुकर करेक्ट है, यस मानस इट इज करेक्ट। Yes, Mridul, now it is correct.
सो मैक्सिमम का आ गया था। तो देखो क्या है, हमारे पास जब आयन बनता है, ठीक है, सो आयन जब बनता है तो किसका डिफरेंस आता है यार, आयन बनता है तो इलेक्ट्रॉन ही चेंज होते हैं ना। तो हमने बताया था एटॉमिक मास मास नंबर के इक्वल होता है, एंड मास नंबर में तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, ठीक है। सो एटम से जब आयन बना तो एटॉमिक मास में कोई डिफरेंस नहीं आया, ठीक है, या हम बोल सकते हैं मोलार मास अभी भी इसका क्या रहेगा, मोलार मास अभी भी इसका 27 ही रहेगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al3 पॉजिटिव जो है ये क्या हो जाएगा 54/27, दैट इज 2 मोल्स, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al3 पॉजिटिव हो गया 2 मोल, ऑब्वियसली Al3 पॉजिटिव क्या आयन, ठीक है, तो 2 मोल्स आयन है हमारे पास, ये हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ आयन कितना है, 2 मोल्स मतलब कितना हो गया 2n, क्लियर है सभी का, ओके। सो 2 मोल्स आयन आ गए या 2n ने आयन आ गए, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन 54 ग्राम ऑफ Al3 पॉजिटिव, 54 ग्राम ऑफ Al3 पॉजिटिव में कितने प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ। एटॉमिक मास तो मैंने बताया ही था, Al का एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास जो है वो 27 है, एंड मास सॉरी एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, एटॉमिक नंबर इज 13, ठीक है। सो कितने प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन है वो बता, नो आन रॉन्ग है, नहीं सोनक, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ आयन सेम थोड़ी थे, देखो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने आए थे, 2 आए थे, एंड नंबर ऑफ आयन 2n ने आए थे, ठीक है। सो ये जो नंबर ऑफ मोल्स है किसके, आयन के, 2 मोल्स आयन थे हमारे पास, सो 2 मोल्स आयन मतलब 2n ने आए थे, ओके। मधुकर करेक्ट है, राहुल करेक्ट है, मृदुल प्रियस रॉन्ग है, एंड मधुकर करेक्ट है, शानिका रॉन्ग है, फिर से देखो ढंग से देखो, यस प्रियस नाउ इट इज करेक्ट, दक्ष रॉन्ग है, चेक करो ढंग से, प्रियस करेक्ट है, नहीं मृदुल अभी भी रॉन्ग है, यस आन करेक्ट है,
देखो प्रियस, दैट्स करेक्ट है। देखो तो सबसे पहले तो ये देखो कि यार हमारे पास एक एटम में कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम एक एटम लेते हैं, ठीक है, सो वन एटम ऑफ Al, तो वन एटम ऑफ Al में क्या है भाई, ऑब्वियसली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम ही होते हैं ना। कितने प्रोटॉन होते हैं, 13 प्रोटॉन एंड 13 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो 13 प्रोटॉन होते हैं और 13 हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाउ वन आयन ऑफ Al3 पॉजिटिव में क्या होगा भाई, Al3 पॉजिटिव का एक आयन जब लेंगे तो देखो प्रोटॉन में तो कोई चेंज आएगा नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, तीन निकल गए ना इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन आए, 10। तो एक आयन जब लेंगे तो उसमें 13 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास आयन कितने हैं। ओके, वन एटम में इतने प्रोटॉन इतने इलेक्ट्रॉन, और एक आयन में हमारे पास 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। नाउ एक आयन में इतने प्रोटॉन इतने इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास नंबर ऑफ आयन कितने हैं, तो वो पहले हम निकाल चुके लास्ट वाले में भी। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al3 पॉजिटिव कितना था भाई, ये था 54/27, मतलब 2 मोल। तो 2 मोल हमारे पास Al3 पॉजिटिव था, तो नंबर ऑफ आयन कितने हो गए थे, नंबर ऑफ आयन ऑफ Al3 पॉजिटिव कितना हुआ था, 2n हुआ था ना, तो हमारे पास 2n आयन थे। तो प्रोटोन कितने हो जाएंगे यार, तो देखो एक आयन में 13 प्रोटॉन है, तो
तो 2N आयन में कितने प्रोटॉन होंगे? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 2NA × 13, दैट इज 26 NA। एंड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यार? एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। तो 10 × 2NA कितना हो गया? 20N। समझ आया? तो हमारे पास 20N क्या आ जाएगा? सॉरी, यस, तो 20N हमारे पास आएगा। इलेक्ट्रॉन, क्लियर है सबको? ओके, तो ये हमारे पास हो गया। चले आगे। नाउ अब देखो, हमारे पास एक और टर्म यहां पर दी जा सकती है, एंड वो टर्म हो सकती है ग्राम एटम। ओके करो, हो गया सोनक हुआ। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वो बता देते हैं। तो देखो, कई बार तुम्हें कुछ इस टाइप से टर्म दी जा सकती है, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, या फिर ग्राम आयन। ठीक है, तो ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन जो है वो क्या है? तो देखो, ग्राम एटम मतलब मोल्स ऑफ एटम। ग्राम एटम का मतलब क्या है? मोल्स ऑफ एटम। अगर ग्राम एटम कहीं पर है तो उसका मतलब है मोल्स ऑफ एटम। ग्राम मॉलिक्यूल कहीं पर है तो उसका मतलब है मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। एंड ग्राम आयन मतलब मोल्स ऑफ आयन। ओके, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन। तो ग्राम एटम मतलब मोल्स ऑफ एटम, ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, ग्राम आयन मतलब मोल्स ऑफ आयन। जैसे मान लो हमें दिया है 2 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, और एक दिया है 2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो दोनों डिफरेंट है। 2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन हमें वेट बता रहा है, मतलब ये है 2 ग्राम, और अगर हमें दिया 2 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन तो ये वेट नहीं बता रहा, ये क्या बता रहा है? मोल्स बता रहा है। तो फर्स्ट वाला जो है वो क्या बता रहा है? इट इज 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। ओके, तो ग्राम एटम एंड ग्राम दोनों डिफरेंट। ओके, सेकेंड हमें दिया 2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन तो ये हमें वेट बता रहा है 2 ग्राम, लेकिन अगर हमें दिया 2 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन तो वो हमें क्या बता रहा है? मोल्स बता रहा है। 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। ओके,
एंड अगर टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम का कोई बोलता है वेट क्या है, तो भाई टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम का वेट क्या होगा, 2 × 14 ग्राम, दैट इज 28 ग्राम। ओके, तो 2 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन मतलब 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम, और उनका वेट क्या आएगा, 2 × 14 मतलब 28 ग्राम। अगर कोई बोलता है कि 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अब कौन सा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है, N2 मॉलिक्यूल। ओके, 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन मतलब 2 मोल्स ऑफ, ठीक है, तो एक्चुअली उन N नहीं लिखेगा, यहाँ पर भी N2 ही लिखेगा जनरली, बिकॉज N2 ही मॉलिक्यूल है। तो 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ N2 मतलब 2 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल, तो N2 मॉलिक्यूल के 2 मोल है, तो अगर कोई बोलता है वेट कितना है, तो कितना होगा, 2 × 28, क्योंकि मोलार मास N2 का क्या है, 28 है, तो दिस इज 56 ग्राम। ओके, तो ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम आयन, ये तीनों जो है ये मोल्स ही बताते हैं। ओके, इन तीनों का मीनिंग क्या होता है, मोल्स होता है। ओके, कहीं पर अगर ये टर्म यूज की गई है, मतलब मोल्स दिया तुम। चले आगे, ओके, चलो क्वेश्चन लेते हैं। तो डिटरमाइन चार्ज ऑन 2 ग्राम आयन ऑफ Al3 पॉजिटिव, डिटरमाइन चार्ज ऑन 2 ग्राम आयन ऑफ Al3 पॉजिटिव, 2 की जगह चलो 3 ले लेते हैं, चलो 4 ही ले लेते हैं, डिटरमाइन चार्ज ऑन 4 ग्राम आयन ऑफ Al3 पॉजिटिव।
नो राहुल, दक्ष प्रिय स्ट्रॉन्ग है, नहीं प्रेयर स्ट्रॉन्ग है। हाँ तो देखो, अगर हम यहाँ पर बात करें एक आयन की, तो वन आयन ऑफ Al थ्री पॉजिटिव में क्या है यार, थोड़ी देर पहले हमने देखा कि अगर हम Al थ्री पॉजिटिव का एक आयन लेते हैं तो उसमें आता है कितने प्रोटॉन थे, 13 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन थे, ऐसा ही था ना। तो इन पे चार्ज कितना होगा, 13 प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा भाई, एक प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, तो 13 का क्या होगा, 13 × 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रॉन पे ऑब्वियसली माइनस चार्ज होगा, −10 × 1.6 × 10⁻¹⁹, है कि नहीं। अच्छा, 1.6 × 10⁻¹⁹ को हम E से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऊपर वाले को हम क्या बोल सकते हैं, 13E, और नीचे वाले को क्या बोल सकते हैं, −10 × E, लिख सकते हैं। तो चार्ज ऑन वन आयन कितना हो गया यार, चार्ज ऑन वन आयन कितना हो गया, ऑब्वियसली 13E − 10E, दैट इज 3E, ठीक है। तो एक आयन पे चार्ज कितना है, 3 × E है, या हम ऐसा बोल सकते हैं ये +3 है ना, तो 3 × E चार्ज है, डायरेक्ट यहाँ से भी बता सकते थे कि +3 है, इसका मतलब क्या है, 3 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है,
ओके, तो जो चार्ज होगा वो तीन प्रोटोन की वजह से होगा, ओके, एल थ्री पॉजिटिव मतलब तीन प्रोटोन एक्स्ट्रा है, तो जो चार्ज होगा वो तीन प्रोटोन की वजह से होगा, तीन प्रोटोन का चार्ज क्या होगा, थ्री इंटू ई हो जाएगा, ओके, या थ्री इंटू 1.6 इंटू 10^-19। तो एक आयन पे इतना चार्ज है, लेकिन हमारे पास आयन एक थोड़ी है, हमारे पास आयन कितने हैं यार, 4 ग्राम आयन है। तो 4 ग्राम आयन मतलब, 4 ग्राम आयन का मतलब क्या है, इसका मतलब है 4 मोल्स ऑफ आयन, ओके, तो 4 मोल्स ऑफ आयन मतलब 4 Na आयन, ओके, तो 4 Na आयन के हमारे पास, एक आयन पे चार्ज 3 टाइम्स ऑफ ई है, तो 4 Na आयन पर कितना होगा, तो चार्ज ऑन 4 Na आयन कितना हो जाएगा, 4 Na into 3e, दैट इज 12 A into E। क्लियर है सभी को, ओके, तो ये हमारे पास चार्ज हो जाएगा। यस प्रियस बोलो। सर मुझे एक डाउट था कि फॉर कैलकुलेटिंग मोल्स वी डू मास अपॉन मोलार मास, सो वोंट वी डिवाइड 4/27। तो मास तो दिया ही नहीं ना भाई, मास कहाँ दिया है, 4 ग्राम, 4 ग्राम थोड़ी है, 4 ग्राम आयन है ना भाई, अभी अभी तो हमने लिखा ना कि ग्राम आयन, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, इन तीनों का मतलब क्या है, मोल्स, मोल्स ऑफ आयन, समझ आया, हाँ। अगर हमें ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन दिया मतलब मोल दिया है, वेट नहीं दिया है, ओके, ठीक है। सो ये हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया है, क्लियर है सबको, किसी और को कोई डाउट है, सर कैन वी टेक डायरेक्टली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एज -1 एंड +1। दक्ष यार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज -1 + 1 थोड़ी होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज तो 1.6 × 10^-19 होता है ना, तो प्लस ई या माइनस ई चार्ज ले सकते हो, ठीक है, 1.6 × 10^-19 को क्या लिखते हैं हम, उसको हम ई लिख सकते हैं, तो प्रोटोन का चार्ज ई और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई, क्लियर है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 थोड़ी होता है, ओके, सो क्लियर है सबको, आपने प्रैक्टिस करा दी है, मेरे ख्याल से सबका क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, ओके, तो अब हम तुम्हें होमवर्क देते हैं, क्योंकि अच्छे से ये क्लियर होना चाहिए था, उसके बाद ही होमवर्क तुम कर पाते, तो नाउ होमवर्क नोट करो, तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का यस क्वेश्चन नंबर 4 टू 40, ओके, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 4 से 40 तक करना है, ओके, तो लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे, और किसी को भी डाउट नहीं है ना, चलो बाय, तो कल का लेक्चर हम फिर से बता रहे हैं, कल लेक्चर होगा 12:30 से 1:30, ओके, परसों वाला लेक्चर हम कल लेंगे, प्रीपोन करेंगे 12:30 से 1:30 सेम टाइम, तो चलो बाय, परसों फिर ऑब्वियसली लेक्चर नहीं होगा, फोर से 40 है वो।
ओके और कल हम डिस्कस कर लेंगे, इसलिए कल ही सॉल्व करके आ जाओ, कल हम डिस्कस कर लेंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है? तो आज आज में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दो, 37 क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हो, ओके? और सेम डे ही सॉल्व करना चाहिए, मैंने बताया भी है, बिकॉज सेम डे तुम अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, अगर दो तीन दिन बाद सॉल्व करने जाओगे तो उतने अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाएंगे, ओके? सो एंड करते लेक्चर, बाय, टेक केयर।